प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, महाराष्ट्र की राजनीति दिन प्रतिदिन एक नया मोड़ लेती जा रही है। यहां पर जिस तरह का माहौल महाराष्ट्र की राजनीति में बना है, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का सक्रिय होना यहां पर लाजमी बनता है। और यहां पर सबसे ज्यादा परेशानी का समय यदि इस समय पर कहा जाए तो वो एनसीपी के लिए है, क्योंकि इस पूरे प्रकरण में एनसीपी की इमेज बहुत खराब हुई है। ऐसे में मैंने अपने एक वीडियो में कहा भी था कि शरद पवार जी की कुंडली के अंदर ऐसे योग बन रहे हैं जो उनके राजनीतिक अध्याय को बहुत बड़ा डेंट देने वाले हैं। और उसके अलावा मैंने एक वीडियो में यह भी कहा था कि उद्धव ठाकरे सरकार को कोई खतरा नहीं है। दर्शकों, इन दोनों बातों को लेकर के बहुत से दर्शकों के मन में कुछ कंफ्यूजन पैदा हुए हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको वही सब कुछ बताने का प्रयास कर रहा हूं जो आपके इन कंफ्यूजन को दूर करेगा। दर्शकों, किसी भी एंगल से यदि हम जब कुंडली को देखते हैं तो यहां पर लूजर शरद पवार रहने वाले हैं, यानी उनकी कुंडली के अंदर समय उनका साथ नहीं दे रहा है। ऐसे में डेंट उनको मिलने वाला है। लेकिन उद्धव ठाकरे जी की कुंडली यहां पर स्ट्रांग है। इसका मतलब यह होता है कि महाराष्ट्र की राजनीति के अंदर चाहे जो मर्जी घटनाक्रम बने, लेकिन उद्धव ठाकरे सरकार को यहां पर जीवनदान जरूर मिलेगा, क्योंकि यहां पर बीजेपी शिवसेना से किसी तरह का कोई विरोध नहीं रखती है। उनका उद्देश्य केवल और केवल महाराष्ट्र में अपनी सरकार बनाना है। और दर्शकों, यहां पर पिछले 24 घंटे के अंदर बहुत सारे ऐसे न्यूज मीडिया के अंदर देखने को मिले हैं कि यहां पर महाराष्ट्र के अंदर राष्ट्रपति शासन लग सकता है। दर्शकों, यदि महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन जैसी स्थिति बनती भी है तो यहां पर वो सस्टेन नहीं करेगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में बहुत स्ट्रिक्ट है और वो पहले भी इस तरह के फैसलों को पलट चुका है। लेकिन यहां पर यह संभावना भी नजर आती है कि बीजेपी शिवसेना को समर्थन देकर के यहां पर महाराष्ट्र में सरकार में शामिल हो, यदि एनसीपी का किसी भी तरह से बहुत बड़ा डैमेज होता है तो। यानी कि यहां पर घटनाक्रम बदलेगा जरूर, उद्धव सरकार को कोई खतरा नहीं बनेगा, उनकी मुख्यमंत्री पद को खतरा नहीं बनेगा, लेकिन यहां पर राजनीतिक हलकों के अंदर अगले एक साल पश्चिम बंगाल के बाद में यदि कोई रहने वाला है तो वो महाराष्ट्र रहने वाला है, क्योंकि एक बहुत बड़ा मुद्दा यहां पर बना है जो इतनी आसानी से अभी सॉल्व होने वाला नहीं है। और इस पूरे घटनाक्रम के अंदर यदि विनर कोई रहेगा तो भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना रहेगी, और लूजर यदि कोई रहेगा तो वो कांग्रेस और एनसीपी रहेगी। क्योंकि यहां पर जब हम चार चैप्टर को खोल करके देखते हैं, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी, एक तरफ शिवसेना, एक तरफ राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी और एक तरफ हम देखते हैं कांग्रेस, तो जब चार पार्ट हम यहां पर देखते हैं तो उसमें से साफ साफ यहां पर ग्रहों की स्थिति का यदि हम आकलन करें उन चारों लीडर की कुंडलियों का, तो यहां पर एनसीपी और कांग्रेस को नुकसान होता हुआ दिख रहा है और बीजेपी और शिवसेना को यहां पर नुकसान नहीं हो रहा है। इसका मतलब यह है कि आने वाले समय के अंदर महाराष्ट्र की राजनीति के अंदर अगर कोई बहुत बड़ा उलटफेर हुआ भी तो यहां पर विनर ये दोनों टीम रहेंगी, यानी कि भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना। ऐसे में भविष्य के अंदर वापस से आपको महाराष्ट्र के अंदर शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती हुई नजर आए, इसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। दर्शकों, ये जो विश्लेषण मैं आज आपको दे रहा हूं, ये मैं सबकी कुंडलियों को देखने के बाद आपको कह रहा हूं, क्योंकि यहां पर यदि उद्धव ठाकरे जी की कुंडली के अंदर कोई डेंट नहीं है और एनसीपी की कुंडली के अंदर यानी कि शरद पवार जी की कुंडली के अंदर डेंट है, तो फिर यहां पर समीकरण कैसे बनेगा कि एक व्यक्ति को फायदा हो रहा है, दूसरे को नुकसान हो रहा है, लेकिन वर्तमान में दोनों साथ भी हैं। ऐसे में यहां पर यह देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि कुंडली के अंदर बन रहे योग किस तरह से फलित होते हैं। लेकिन योग फलित होते जरूर हैं, ये बात निश्चित है। ऐसे में यहां पर महाराष्ट्र की राजनीति के अंदर कोई नया समीकरण पैदा हो, इसकी संभावना भी बनती है। और जैसा मैंने अपने एक वीडियो में कहा भी था कि
2023 के बाद जाकर के ही उद्धव ठाकरे सरकार को कोई खतरा यहां पर बनेगा। ऐसे में बीजेपी उनके साथ सरकार बनाए, कुछ समय सरकार चलाए और उसके बाद में समर्थन वापस लेकर के मध्यावधि चुनाव करा दे, ऐसी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन घटनाक्रम बड़ा विचित्र होगा, रोमांचित करने वाला होगा और निश्चित तौर पर जो मैंने एक वीडियो के अंदर कहा था कि अक्टूबर 2020 के बाद से राजनीति के अंदर एक बहुत बड़ा खेल होगा, यानी कि उलटफेर भी होगा और भारत की राजनीति के अंदर एक नया अध्याय लिखा जाएगा। अब वो समय आ गया है जब उस घटना के सही होने का यहां पर हमें प्रमाण भी मिल रहा है। दर्शकों, दिन प्रतिदिन ग्रहों के कारण से परिस्थितियां बदलती हैं, लेकिन ज्योतिष के अंदर एक सिद्धांत है, वस्तु काल परिस्थिति, यानी कि एक ही घटना का तीन अलग अलग स्थानों पर अलग अलग प्रभाव देखा जा सकता है। यानी कि एस्ट्रोलॉजर्स के ऊपर ये निर्भर करता है कि वो वस्तु काल परिस्थिति का किस तरह से अध्ययन कर रहे हैं। यदि वस्तु काल परिस्थिति का सही तरह से अध्ययन किया जाए तो ही यहां पर ज्योतिष विद्या के अंदर सटीक भविष्यवाणियां की जा सकती है। यानी कि जरूरी नहीं है कि एक स्थिति किसी एक स्थान पर अगर एक परिणाम दे रही है तो वही स्थिति दूसरे स्थान पर भी वही परिणाम देगी। यानी यहां पर हमें एक चीज को समझना होगा कि ज्योतिष के अंदर हमेशा एक चीज को ध्यान रखा जाना चाहिए कि किसकी कुंडली सपोर्ट कर रही है और किसकी कुंडली उसके अगेंस्ट है। जिसकी कुंडली अगेंस्ट है उसके लिए विनिंग सिचुएशन होने के बाद भी व्यक्ति के हाथ में सफलताएं नहीं लगती हैं। और यदि मान लीजिए किसी की कुंडली बहुत स्ट्रांग है, ऐसे में चाहे सारी परिस्थितियां उसकी विपरीत हो तो भी यहां पर सफलता उसको जरूर मिलती है। और इसका ताजा उदाहरण आप लोगों ने बिहार के अंदर देखा होगा, जहां पर सभी ने कहा था कि नीतीश कुमार सीएम नहीं बनेंगे और यहां पर वो दोबारा से सीएम बने। यानी कि कुंडली अपने आप में ये साफ साफ बताती है कि ब्रह्मांड की परिस्थिति उसके लिए अनुकूल है या नहीं है। और यदि परिस्थितियां अनुकूल है तो फिर बड़ी से बड़ी घटना भी उस व्यक्ति का बहुत कुछ नहीं बिगाड़ पाती है। घटनाक्रम बदल सकता है, परिस्थितियां बदल सकती हैं, लेकिन परिणाम कभी नहीं बदलता है। उम्मीद करता हूं दर्शकों, मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।